सो गाइस यार, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तुम लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे वन ब्लॉक के वर्ल्ड में। यार वन ब्लॉक को खेले हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। लास्ट एपिसोड में हमने डेजर्ट फेस को एक्सप्लोर किया था और डेजर्ट फेस हमारा खत्म हो गया था। अब बात आती है यार बहुत ही सीरियस। डेजर्ट फेस जैसी खत्म हो गया, उसके बाद मैंने थोड़ी माइनिंग करी। माइनिंग क्या करी मैंने, जैसी मैंने फेस खत्म हुआ, जैसी अपडेट हुए हम, वैसी वहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक आता है हमारा, वहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं आ रहा। तो मैंने यार बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए वहाँ पे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, इनविजिबल सा हो गया था वो ब्लॉक में। बहुत देर तक होता रहा उस पर, मुझे पता नहीं यार क्या हो रहा था उस पर, पता नहीं उस समय में। मैंने 3-4 बार वर्ल्ड को भी रिलोड करने की कोशिश करी, मुझे लगा क्या पता कोई ग्लिच हो। मैंने सारे शेडर्स हटाए, सब कुछ हटाया, उसके बाद भी वो फिक्स नहीं हुआ। तो मैं खोदता रहा उसको पूरे, शायद मैंने 2 घंटे तक खुदाई करी थी उसमें। खुदाई करने के बाद यार हमारा लेवल अप हुआ, फेज 8 है ये। इस फेज में शायद हमें रैंडमली कोई भी ब्लॉक मिलेंगे। वैसे तो रैंडमली मिलते हैं, पर जैसे हमारा डेजर्ट फेज था तो उसमें डेजर्ट के ज्यादा ब्लॉक मिलते थे, पर अब हमें मिलेंगे यहाँ पे कोई भी ब्लॉक मिल सकता है हमें। नेदर का भी मिल सकता है, आइस भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। मतलब ब्लॉक्स ऑफ क्वार्ट्स मिले हैं, कुछ और भी बहुत सारे आइटम मिले हैं, जैसे लैपिस लजुली मिला है बहुत, ओक लॉक, ये वुड आनी बंद हो गई थी बीच में पर ये वुड भी आने लगी, एमरल्ड मिला है हमें। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ और क्या क्या करना। पिछली वाली वीडियो के नीचे यार तुम लोग तो ऑफेंड हो गए कि मैंने कोबलस्टोन जनरेटर नहीं बनाया वहाँ, मैंने शुगर केन फार्म बना दिया। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था वहाँ पे मैं मुझे कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है, पर यार कोबलस्टोन की यार मुझे ज्यादा कुछ नीड है नहीं अभी, क्योंकि ज्यादातर हमारा बिल्ड बन चुका है। ये फायर चार्ज भी मिला था मुझे, फायर चार्ज का पता नहीं यार इसका क्या करना है यूज। और टोटम ऑफ फंडाइन तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा मिल चुका है। एक बार मैं इसको सही से रख देता हूँ। और तुम लोगों ने स्पाइडर की आवाज़ सुनी होगी, पर पता नहीं स्पाइडर कहाँ से है। पहले सो जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि कल हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। और यार वीडियो को अभी है कि अभी लाइक कर देना यार, तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो यार। लाइक कर दिया करो वीडियो को, फ्री होता है यार, कर दिया करो। और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना, वो भी फ्री होता है। तो अब हम चलते हैं। और हाँ, मैंने एक एक्सपी फार्म बनाया जो कि मैंने तुम्हें शायद दिखा दिया था या नहीं दिखाया, आई डोंट नो, पर जल्दी से हम चलते हैं। और हाँ, बीज भी हमारे वर्ल्ड में आ चुकी हैं, बीज या मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों के लिए मैंने वहाँ पे लगा दिया। मैं तुम्हें सब चीज़ एक 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 करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम बनाने वाले थे अपना कोबलस्टोन फार्म, पर नहीं बना पाए, हमने शुगर केन बना दिया, क्योंकि मुझे बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत थी कोबलस्टोन के बजाय। तो मैंने बना दिया इसको भी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये देखो यार, ये हमने बनाया है एक्सपी फार्म। तुम लोग देख सकते हो कितना खतरनाक है, और यहाँ से मुझे एक्सपी दबा दबा के मिलती है। देखो अभी एक्सपी मेरी कितनी है, 42 है। अब देखना कितनी एक्सपी हो जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अपना कोबल स्टोन का फार्म। तो अब चल थोड़ा विलेजर्स के लिए रहने के लिए। देखो यार, तुम्हारे विलेजर्स हमारे पास 1-2 अभी तो खैर इंचेंटेड दे नहीं रहा, इसको मैंने अभी अपडेट नहीं किया है, पर ये पूरी तरह अपडेट हो चुका है। तो अभी हमारे पास शुगर केन है 35, बहुत बढ़िया। इसमें है 38, बहुत सही। तो शुगर केन बहुत ही बड़ी बढ़िया तरीके से आती रहती है यहाँ पे। और मैं तुम्हें दिखा दूँ हमारी बीज। पहले जो हमें बी हाइव मिला था, मुझे पता नहीं था इसको कैसे लगाना है, पर बाद में मुझे पता चल गया इसको बस लगा दो, हनी बीज अंदर आके शहद बनाना इकट्ठा कर देती है। ये देखो यार, शहद नीचे गिर रहा है। वैसे शहद मेरे पास बहुत सारा है। शहद का काम क्या होता है ये तुम मुझे कमेंट बताना यार, क्या करना है हमें शहद का। तो अब चलते हैं हम। और हाँ देखो, मैंने बोला था ना तुम्हें, अपने आप ही मिल, कभी भी कुछ भी मिल सकता है हमें यहाँ। और हाँ यार, ये लिखा हुआ क्या आ रहा है यहाँ पे, नेदर वगैरह। ये अभी स्टार्ट हुआ है, पहले तो नहीं आता था, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। ओ या, ये अब हट चुका है, पता नहीं क्यों आ रहा है। बहुत माइनिंग करके इसलिए याद लाने आता है कैसे माइनिंग करनी होती है। और तुम्हें मैंने इससे मिलाया है, ये हमारा 4 आर्म्स। वैसे इसकी 2 ही आर्म्स हैं, पर हम इसे 4 आर्म्स बुलाते हैं प्यार से। पंपकिन मिला है और ये फ्लावर पॉट। अबे फ्लावर पॉट क्या करूंगा मैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। देखो यार, रैंडमली कुछ भी मिल रहा है हमें यहाँ पे। और गाइस, पिग आ चुका है। वैसे पिग्स मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसको अभी यहीं पे मार देंगे ऐसे ऊपर चढ़ के। अरे
लोगों ने बिल्ली की आवाज़ सुनी होगी, तो बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई थी। अब मुझे वो देखो यार, वहाँ पे वो बिल्ली बैठी हुई है, मैंने उसको शायद टेम कर लिया है। अब तुम लोग बताना उसका नाम क्या रखना है। वैसे मैंने भी कुछ नाम सोच कर रखे हुए हैं, पर यार नेम टैग नहीं मिल रहा ना, दिक्कत तो वही है। नेम टैग मिल जाए तो मैं सबको नाम दे दूँ सबके। गोल्ड यहाँ पे है, मैंने कुछ आयरन भी मिल गया है। कहाँ गया वो, उसको यहाँ निकाल लेते हैं। और तो खैर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमें जल्दी से पेपर बनाना है। हमें शायद 15 बुक्स चाहिए होती हैं, 15 बुक शेल्फ्स, या 15 बुक शेल्फ्स चाहिए होती हैं। पहले हमें बहुत सारी वुड चाहिए। बुक शेल्फ हमारे 7 बुक शेल्फ बन गए हैं। पहले हमारे पास 5 थे, कहाँ गए 5? 5 बुक शेल्फ, 12 बुक शेल्फ हो गए हैं। अब हमें थोड़े से बुक शेल्फ और चाहिए। बुक जितनी बनती हैं उतनी एक ही बुक बन पाई हमारे पास। पहले हमें और भी वो चाहिए होंगे। ओके यार, एक बुक शेल्फ हमारे पास कम पड़ रहा है, तो एक बुक शेल्फ के लिए हमें चाहिए, पहले बुक बनाने के लिए लेदर चाहिए। गाय को मार के आना पड़ेगा हमें। गाय मैंने वहाँ पे रखी है अपनी, गाय के पास कैसे पहुँचूँ? पीछे से घूम के जाना पड़ेगा मुझे। 4 गाय पोकेमोन हो गए, वाह। हम जल्दी से इसको खोलते हैं, इसको बंद करते हैं। बुक देखते हैं जितनी बन सकती है हमारे पास बुक। बुक हमारे पास 3 बुक बन गई हैं। बुक शेल्फ हमारे पास टोटल 15 बुक शेल्फ हो गए। 15 बुक शेल्फ हमारे पास हो गए, तो बुक शेल्फ को हम ऊपर रखे आते हैं तब बढ़िया तरीके से। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
बनेगा। हाँ यार बना सकते हैं हम वैसे ऑब्सीडियन, खैर इसको हम बाद में करेंगे। हमारी थोड़ी तो प्रोग्रेस हो ही गई है ऊपर लाइब्रेरी बनाने के लिए, और पांडास के लिए मैंने ये रखा था, उनको खिलाया ही नहीं अभी तक मैंने। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से चलते हैं हम और अपना। ओ यार मैं तो कोबलस्टोन लाने ही भूल गया, जल्दी से जाना पड़ेगा यार। क्योंकि यहाँ पे यार ये लोग बहुत शोर कर रहे हैं, इनको मार क्या हूँ पहले मैं। मारो मारो, क्यों शोर कर रहे थे, देखे करके सबको मारो, रुको। तो ओके यार मैंने इन लोगों को मार दिया है, अब हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ तो अभी करना नहीं है वैसे। यहाँ पे हमें पानी लाना है, यहाँ पे हमें लावा लाना है। पानी और लावा मैं ऊपर से लेके आता हूँ। अब जल्दी से हम बना लेना कोबलस्टोन जनरेटर, और उसके बाद हमें थोड़ी सी और काम करना है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। बस पहले हमें कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है, लावा बचाना पड़ेगा। मैंने लावा रखा हुआ है वैसे, काफी लावा मिल गया मुझे, और पानी तो खैर है ही। अब मुझे देखना पड़ेगा लावा रखा कहाँ है, मिल रहा ये रहा लावा। ओ यार ये तो नीचे चले गया। क्या फायदा करेगा या तो यहाँ पे आके ये रुक गया है, अब ऐसा ही हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। अरे यार तो अब लगाते हैं वाटर, या तो हमारा कोबलस्टोन जनरेटर बन चुका है। यार यहाँ पर मुझे सीढ़ी लगानी पड़ी, तो तुम लोग देख सकते हो यार कोबलस्टोन हमें मिल रहा है। हमारा टेम्प्ररी कोबलस्टोन जनरेटर यहाँ पे हमारा बन चुका है, तो सजाना रह रहा है और सजा लेंगे हम थोड़ी देर में।
तो गाइस यार थोड़ा काम तो हमारा हो चुका है, बस अब थोड़ा सा और रह रहा है। मुझे लगा आपको दिखा दूं थोड़ा बहुत, तो मैं ऊपर से ज्यादा कुछ कवर करने नहीं वाला हूं। तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना धीरे धीरे क्यों कर रहा हूं। देखो यार ब्लॉग्स यार बहुत बार खत्म हो गए थे और मुझे बार बार लेके आने पड़ रहे थे ब्लॉग्स। तुम लोग बताना कि तुम लोगों को और कौन कौन से गेम चाहिए। GTA 5 को खेले हुए ना हमें बहुत ज्यादा दिन हो गए। तो तुम अबे यार मैं गिर गया। ओए हंस क्यों रही है, रुक मैं गिर गया, तुम लोग हंसो हैं। ऐसे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और कोई ये क्या तोड़ दिया मैंने, ये यहाँ पे ये तोड़ेंगे हम ऐसे और ये हमें मिल जाएगा। तो हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है और यहाँ पे ना मैं कुछ अलग ही कुछ सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो मैंने यहीं पे इसलिए जगह बना के रखी हुई है। तो अब बस जल्दी से चलते हैं और ये जो इलाका है ये यहाँ पे खुला रहेगा, जल्दी से ऊपर चल के देखते हैं कैसा लग रहा है इलाका। और अब पांडा को थोड़ा खिला के आते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गया, पांडा को मैंने अभी कुछ भी खिलाया नहीं है, वो बहुत उदास हो रहा होगा। चीप्स भी बहुत सारी हो रही है। ओ बेटे भीड़ लगा दी को तुम्हारे, तुम देख सकते हो यहाँ पे, जिसको पहले छुपा दूं मैं। अबे मैं कहाँ चढ़ गया, ऐसे करो इधर आओ, इधर इसको बंद करो, तो आओ आओ ये लो खाओ, ये ले भाई तू भी खा। ये पता यहीं पे खेलता रहता है, ये अजीब ही है। वो कहाँ भाग रहे हो, लो खाओ। ये तो अपने ही मजे में, तू कैसे बाहर आ गई है, ले अब मरना पड़ा ना, मैंने बोला था मत बाहर आ। और तुम लोग बताना यार अब वन ब्लॉक में हम क्या और चीज बना सकते हैं। हमने बहुत सारी चीजें बना ली हैं, इनफिनाइट एक्सपी फार्म बना लिया, शुगर केन फार्म बना लिया, कॉबलस्टोन जनरेटर बना लिया और मुर्गियों का फार्म बना लिया, सबका फार्म बना चुके हैं हम। अब बताना कि क्या करना है हमें वन ब्लॉक के अंदर, क्या बनाना सकते हैं हम। हट ओ भाई मेरी पिकैक्स टूट गई बेटे, मेरी इतनी खतरनाक डायमंड पिकैक्स थी एफिशिएंसी के साथ वाली यार, अभी और लेके आना पड़ेगा मुझे सामान। ऊपर से लाइब्रेरी दिखने में अच्छी लग रही है, क्या दे रहा है। अबे एक्स नहीं चाहिए यार, पिकैक्स चाहिए एफिशिएंसी। 64 एमराल्ड, पागल कहीं का भाई साहब इतनी महंगी। जल्दी से बना लेते हैं डायमंड की पिकैक्स। या तो डायमंड की पिकैक्स हमारे पास बन चुकी है, इसको यहाँ रख देंगे। हाँ यार इसका क्या करना है, हनी कॉम ब्लॉक इसका क्या करना है हमें ये भी तुम बताना। हमारा एक्वेरियम तो ऐसे ही पड़ा हुआ, देखा भी नहीं बड़े दिनों से। बे मैं पागल हूँ। तो ओके यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यार तुम लोग बताओ यार मुझे और क्या करना चाहिए वन ब्लॉक के अंदर। तो हमने आज बना लिया है अपना एक कॉबलस्टोन जनरेटर और थोड़ा बहुत हमने वो काम भी कर लिया वहाँ पे अपनी लाइब्रेरी बनाने का। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।